आई वॉज सेवन. मैं फिफ्थ क्लास में उस वक्त पढ़ती थी. ही वॉज माई फादर्स कज़न. जिनके पास मैं कुरान सीखने के लिए जाती थी उनके हस्बैंड थे. आना, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग के मोलेस्टेशन को बाय लॉ किस तरह डिफाइन करते हैं, उसके अलावा क्वांटिफाई किस तरह करते हैं. बिकॉज यू नो, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चंस इज़ के इसका तो एविडेंस ही नहीं है, इसका तो प्रूफ ही नहीं है, ये कब हुआ, कैसे हुआ. कवल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली पर्टिनेंट फॉर पीपल टू नो कि कब उन्होंने पुलिस के पास आना है और कब इसको रिपोर्ट करना है. तो दो चीज़ें हैं कवल. एक तो ये है कि जब आपके चाइल्ड के साथ अटेम्प्ट हुई है. All right, and what do we consider attempt? Attempt वो है जब एक child, a girl or a boy tells their mother that you know, okay, somebody touched me in my private parts or somebody tried to take off my pants. That's an attempt. You directly come to the police, you report it. Do not worry about the evidence, at least report it. So इसकी FIR होती है और ये lawfully FIR होती है, exist करता है law, and it is considered attempt. All right, and then we have the second extreme where you know, there has penetration or penetration ke baad the child you know pata chal jata hai or whatever, so that is full fledged molestation aur uska bhi law exist karta hai aur us pe to proper FIR hoti hai, DNA evidence hota hai, medical hota hai, etc. All right, so the parents need to know ke is tarah ki bhi koi situation ho jati hai to instead of not reporting it, please report it, because is pe FIR hoti hai, case register hota hai, and the accused is arrested if the evidence is enough and it's recognizable. Yes, absolutely, it's absolutely recognizable. Aur agar kisi bacche ke sath attempt ya phir rape ka case hua ho to unke parents ko kya karna chahiye? Should they come to the police station? What should they do? Absolutely, Kavals. जैसा कि अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि molestation हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, तो जो बात मैंने आपको बताई ना जो अटैम्प्ट में आती है, तो वो भी उसकी भी FIR रजिस्टर होती है. इट्स क्रिमिनल. ऑल राइट, सो द पेरेंट्स नीड टू नो कि इट्स नॉट जस्ट कि वो ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि हम पुलिस को जाके सिर्फ ये कहेंगे तो क्या होगा और इससे तो कोई प्रॉबेबली जो है लॉ नहीं एग्जिस्ट करता. लॉ एग्जिस्ट करता है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, स्पीक अबाउट इट. और रिपोर्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इवन इफ यू नो आप जा रहे हैं एक केस के साथ, उस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन हो, देयर कुड बी मल्टीपल रिपोर्ट्स अबाउट द सेम पर्सन. मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है, नॉट जस्ट ऑफ योर ओन किड. So we would say a sexual abuser is, you know, at least listed as a sexual abuser after something like this happens. वो विजिट कर रहे थे हैदराबाद से हमारे घर पे. इट वाज जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स. आपकी कजिन जो है अब मेरे फादर्स कजिन, ही वाज विजिटिंग विद हिज मदर. तो माय मॉम वाज एंटरटेनिंग देम और मैं आई वाज सेवन एंड माय ब्रदर वाज अराउंड फोर. सो ही सेड ही इज गेटिंग बोर्ड. तो वो खुद कितने साल के थे? आई थिंक ही वाज इन हिज अर्ली 30s. ठीक, काफ़ी बड़े आदमी थे वो. एग्जैक्टली. और हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त. तो फिर उन्होंने कहा मैं बोर हो रहा हूँ एंड हम लोग का घर बहुत छोटा है, लाइक वी लिव इन अ टू बेडरूम अपार्टमेंट. सो इट वॉजेंट लाइक कि मेरी मदर वैसे ही बहुत विजिलेंट थी हम लोगों के बारे में. वो हम लोग वहीं लाउंज में ही थी, मेरी मदर और उसकी मदर. सो हमें अंदर बोला चले जाओ, उसको कोई बुक्स वगैरह दे दो या कुछ इस तरह गेम्स. एंड सो मी एंड माय ब्रदर वेंट विथ हिम इन द रूम और वहाँ पे उन्होंने कहा चलो हम एक गेम खेलते हैं, हम चिट्स निकालेंगे एंड जो उसमें हम बॉडी पार्ट्स लिखेंगे और जो भी बॉडी पार्ट उसमें आया उस चिट में, सो हम वो उसको किस करेंगे. I just felt really weird क्योंकि first time तो पहले आप एकदम shocked हो जाते हो और फिर इतना इतने छोटे एज में. हाँ, मुझे I was a bit uncomfortable कि ये कौन सी game है, I've never played it. Yeah. So he started taking out chairs and मतलब इस तरह मुझे uncomfortable feel होना start हो गया. And my brother was too young, वो तो side पे ही बैठा था. And that person wasn't even afraid कि बाहर जो है वो उसकी अम्मी मेरी अम्मी पूरा लाइक बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े लोग बैठे हैं. फिर मेरा भाई साइड पर ही है कमरे में ही एंड कोई कमरा बंद नहीं, नथिंग. इट वाज लाइक यू नो टोटली ओपन. उसमें भी फिर मैंने कहा नहीं मुझे ये गेम नहीं खेलनी है, आई फील मुझे नहीं पसंद आ रही है गेम. फिर खैर वो बाहर आए
उन्होंने कहा नहीं मैं तो इनको तो गेम नहीं खेलनी एंड इस तरह वो मैनिपुलेट करते हैं ना लोग कि आपको गिल्ट बच्चों को गिल्टी फील करवाना कि हम तो मेहमान हैं हमें हाँ इंटरटेन नहीं कर रहे। तो मेरी मम्मी ने कहा चलो सही है आप दोनों जाओ और इनको ना कंप्यूटर दिखा दो जो ड्राइंग रूम में था वो भी बिल्कुल लाउंज के पास। उस जमाने में बड़े बड़े डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे जो पूरी फैमिली यूज करती थी और मेरी अम्मा इस मामले में बहुत थी कि सोते वक्त भी हम लोग दरवाज़ा नहीं बंद करते थे उस वक्त भी दरवाज़ा उन्होंने खुला हुआ रखा हुआ था तो ऐसे नहीं कि आई वॉज अलोन विथ हिम या क्या। सो वॉट हैपन्ड वाज मैं आई वॉज गेटिंग गुड ग्रेड्स इन एवरीथिंग और देर वॉज ओनली वन सब्जेक्ट इस्लामियात वेर आई डिड नॉट गेट गुड ग्रेड्स एंड माई मॉम नोटिस्ड के थ्योरी वॉज फाइन बट हम जब कुरान रेसिटेशन के जो मार्क्स होते थे उसमें आई यूज टू आई डिड नॉट स्कोर गुड बिकॉज आई कुड नॉट रिसाइट। तो माई मॉम डिसाइडेड उस टाइम पे के एंड आई वॉज ऑफ एज ऑल्सो सो शी डिसाइडेड के आई शुड गेट माई सेल्फ इनरोल्ड किसी कुरान की क्लास में सो दैट आई कैन लर्न कि मैं रवानी से उसको पढ़ सकूँ। सही। एंड तब जो है वो मैंने हमारे घर के पास ही एक आंटी थे विद इन द सोसाइटी वी यूज टू लिव उनके घर पे मम्मा ने जाके बात की उनको किसी ने बताया वहाँ जाके बात की और मैं और मेरी कज़न इनरोल कर हम दोनों वहाँ पे इनरोल हो गए। ठीक है। एंड ये सब बहुत स्मूथली चल रहा था बट एक बार जो है एंड वी वर ऑन वेरी गुड टर्म्स उन फैमिली मेम्बर्स से जानते वानते थे। हाँ दे वर ऑल लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोग थे एंड एवरीवन वाज फाइन विद किड्स कमिंग अराउंड और बहुत अच्छे से बात करते थे। तो एक बार जो है वो उनके घर पे कुछ काम हो रहा था और उनके घर में सहन के ऊपर जो एरिया होता है जैसे खुले सहन के ऊपर तो कमरे पे काम अगर छत पे काम हो रहा था तो वो सहन से नज़र आ रहा था बट सिंस आई वाज वेरी शॉर्ट एट दैट टाइम आई वाज स्मॉल तो आई कुड नॉट आई वाज वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है बट आई कुड नॉट सी तो आई वाज जंपिंग कि मैं मुझे नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है। तो उनके जो हस्बैंड थे ही आस्क्ड मी कि तुम्हें देखना है कि ऊपर क्या हो रहा है मैंने कहा जी तो उन्होंने मुझे गोद में उठाया और गोद में उठा के मुझे ऊपर किया बट वाइल ही वॉज डूइंग दैट ही स्टार्टेड फीलिंग मी बिटवीन माई लेग्स और दैट आई डिड नॉट नो कि उसका क्या मतलब है आई डिड नॉट नो कि उनका क्या इंटेंशन है आई जस्ट न्यू कि वो अच्छे अंकल हैं और वो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं बिकॉज दैट वॉज द ओनली फीलिंग आई वॉज गेटिंग। यू ब्रश्ड इट ऑफ इनोसेंटली। एग्जैक्टली। ऑल्दो आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था कभी नोबडी हैड टच्ड मी देयर बिफोर तो आई टोल्ड हिम टू स्टॉप डूइंग इट एंड मुझे नीचे उतार दें बट ही केप्ट ऑन आस्किंग मी व्हाट आर यू फीलिंग एंड आई वॉज लाइक आई मुझे गुदगुदी हो रही है मुझे नीचे उतार दें एंड देन उन्होंने मुझे उतार दिया एंड देन मैं घर चली गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। उसी दो चेयर्स थी यहाँ पे वो थोड़ा ऐसे था कि गली टाइप था तो वो दरवाजे से दिख नहीं रहा था लेकिन दरवाज़ा खुला था सो ही मेड माई ब्रदर सिट ऑन वन चेयर और दूसरी चेयर पे कहा कि नहीं अच्छा आप ऑन करो मेरे पास और तो जगह है नहीं मैं यहीं बैठता हूँ आप मेरी लैप में बैठ जाओ। पहले मैं थोड़ा ऐसे हो रही थी मैं कैसे उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं मुझे प्लीज़ करके खोल के दिखाओ कंप्यूटर। अच्छा फिर मैं करना स्टार्ट हुई मैं वहीं बैठ गई उनके और मेरा ब्रदर वहीं पर ही और मेरे मुझे मदर पेरेंट्स बाहर। फिर उसमें ना आई फेल्ट के समवन अनजिप्ड माय पैंट्स एंड वहाँ जो ना उनका हाथ गया आई फेल्ट लाइक ये क्या हो रहा है ना आई जस्ट फ्रोज। फिर उसके बाद ही अच्छा उसी दौरान भी जो ना ही वॉज लाइक रियली चिपकू चिपका हो रहा था जैसे किसेस दे रहे हैं बच्चों को जैसे यूजली देते नहीं हैं इस तरह लेकिन एक बड़े ग्रोन आदमी को एक 7-year-old लड़की को कोई और वो भी उसके पूछे बगैर आप उसको इतना करीब जा रहे हो उसको उस पर चीक्स पे किसेस या फिर पकड़ रहे हो ये सब कर रहे हो उस वक्त भी अनकम्फर्टेबल तो मैं हो रही थी। फिर जब ये स्टार्ट हुआ तो जब मेरा भाई बिल्कुल सामने बैठा था मैं ऐसे जैसे अभी बैठी हूँ ना मैं बिल्कुल भाई सामने और मैं ऐसे हो रही हूँ कि और भाई को नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो जैसे ना उस तरफ हाँ उस तरफ था और वो मैं बिल्कुल लैप में थी तो उसको मुझे इस तरह वो टच करने लगे एंड ही स्टार्ट विस्परिंग के डू यू लाइक इट इस तरह करके पसंद आ रहा है और ये इस तरह एंड
मुझे बहुत लाइक जैसे आप मुझे बताते हुए भी जैसे मेरा मुंह खुश्क हो रहा है उस वक्त मुझे एग्जैक्टली वो फीलिंग याद है कि इस तरह इस फ्रोज. तो मैंने बहुत छुड़वाने की इस तरह कोशिश करी, फिर जैसे देखा कि अब इसका ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है तो ज़्यादा शोर वोर नहीं करे, तो ही जस्ट स्टूड अप खड़ा हो गया. फिर वो ऐसे फिर उसने मेरे भाई को कहा ना, मैं समझी अब ये इस तरह और कोई हरकत नहीं होगी. उसने मेरे भाई को कहा कि आप जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ ना. अब मेरा भाई गया पानी लेने, उस टाइम वो वहीं पे खड़ा था, मैं वहीं चेयर पे ही बैठी थी. एंड ही जस्ट अनजिप्ड हिज पैंट्स एंड ही टुक आउट हिज थिंग एंड उसने जो है ना मुझे ज़बरदस्ती मुझसे हाथ लगवाना और ये वो एंड स्टार्ट सेइंग ऑब्सीन थिंग्स लाइक मैं इसको जो है वो तुम्हें जो है ना ऐसे करवाऊँगा, तुमसे ये करवाऊँगा. आई वॉज जस्ट सेवन, आई हैव अ डॉटर हु इज अबाउट टू बी 9 एंड आई नो कि वो कितनी इनोसेंट है. आई वॉज एट दैट एज, सो नाउ आई फील इट मोर बिकॉज आई हैव टू डॉटर्स एंड आई कैन फील कि वो स्टेज कितना इनोसेंट होता है. एंड यू नो द रीज़न आई यू नो आई हैड द करेज टू से इट आउट लाउड कि इवन लाइक माई मॉम वॉज अ हेलीकॉप्टर मॉम, लाइक हर वक्त साथ साथ ना, हर वक्त विजिलेंट. गाड़ी में भी जा रहे हैं तो वो खड़ी रहती थी कि वो गाड़ी में बैठ जाएँ, भले अबू के साथ जा रहे हैं कुछ भी, वापसी आ रहे हैं तो बस साथ साथ हैं. और फिर मैं और मेरे भाई बिल्कुल साथ साथ थे, स्कूल जाना आना, नो ट्यूशंस, नो नथिंग. सो वो इतनी विजिलेंट होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है आपके अपने घर में इतने छोटी सी जगह में. An abuser will always find their way. Yes, हाँ. और बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं and we need to protect them. When he did this and after that were you able to get out of that room? Yeah, I just ran away. Then नहीं इत्तेफाक से फिर उसी वक्त मैं बिल्कुल लाइक फ्रीज हो गई थी. तो फिर मेरा भाई आ गया पानी लेके, सो ही जस्ट यू नो जल्दी से उसने ऐसे वो कर लिया, जिप अप कर लिया ये वो. माई ब्रदर वॉज टू यंग, ही आई थिंक जब मुझे ही कोई आइडिया नहीं था तो उसको 4-year-old को क्या आइडिया होगा. फिर आई जस्ट रैन अवे टू माई रूम और फिर उसके बाद आई जस्ट अवॉइडेड देम द होल टाइम दे वर देयर. मैं बैठी रही कोने में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैं क्या कर रही थी बट मैं बैठी रही. उसके बाद जब जाने से पहले ही वॉज जस्ट देयर फॉर अ फ्यू आवर्स, जाने से पहले ही सेड टू माई पेरेंट्स कि मैं मिल के आता हूँ सैर, तो फिर निकली नहीं है कमरे से. तो वो ही जस्ट केम एंड आई वॉज सिटिंग ऑन माई स्टडी टेबल, जस्ट ही किस्ड मी ऑन माई चीक और विस्पर किया कि किसी को बताना नहीं और जो ना सब बहुत गुस्सा करेंगे, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत गुस्सा करेंगी अगर तुमने किसी को बताया. मुझे डरा के दिया क्योंकि नो माई मॉम वॉज स्ट्रिक्ट, लेकिन वो उस चीज़ को उसने उल्टा मेरे अगेंस्ट ही यूज़ किया. दिस इज़ अ वेरी कॉमन टैक्टिक ऑफ अब्यूज़र्स, बच्चों को डरा के ना. Najda, so you continued going back to the same place or did you go home and tell your mom and end it? So I did not find it out of ordinary because I did not know that I'm not supposed to get touched there. Yeah. Nobody had told me. Hmm. So I didn't tell anyone and I kept on going. Theek hai. And did the episodes escalate? Did he find you? And yeah. So a few days later, सो बेसिकली उनके घर के गेट से जिस कमरे में हमने जाना होता था उससे पूरा एक लंबा गली थी पूरी, और कोई कमरे नहीं थे उस उधर. सो वो गेट से गली एंड देन कमरे स्टार्ट होते थे सहन के बाद. सो उस गली में दैट गाय यूज़ टू फील मी अप एवरीवेयर, लाइक ऑन माई चेस्ट, ऑन माई बटक्स, बिटवीन माई लेग्स, एवरीवेयर. एंड ही यूज़ टू डू इट एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं जो है वो जाती थी वो गेट खोलते थे. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टचिंग मी ऑन माय चेस्ट आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट नॉर्मल बिकॉज इट हैपेंस इन मूवीज एंड व्हेन इट हैपेंस इन मूवीज आई एम नॉट सपोज टू वॉच इट. सो आई न्यू कि ये जो हो रहा है नाउ दिस इज नॉट नॉर्मल एंड दिस इज दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. सो आई स्टार्टेड फियरिंग, उनसे मुझे डर लगने लगा उस पॉइंट पे. एंड फिर मैंने घर पे जाके रिफ्यूज किया कि मैंने नहीं जाना. और उस टाइम पे मैं इधर मेरे जाने का टाइम होता था तो मैं बहुत लेट करती थी, मैं खाना खाने में बहुत टाइम लगा देती थी या जो है मैं नहाने में बहुत टाइम लगा देती थी कि किसी तरह इतना टाइम हो जाए कि टल जाइए कि ये मुझे बहुत कम ड्यूरेशन के लिए वहाँ जाना पड़े या इधर मुझे जाना ही ना पड़े. एंड आई रिमेंबर आई यूज़ टू एट दैट टाइम आई यूज़ टू लिव इन अ फ्लैट जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था और वहाँ से मैं सीढ़ी उतरती थी एंड आई इट वॉज जस्ट अ 2-minute वॉक और समथिंग टू द गेट. या एंड उस पूरे रास्ते आई यूज़ टू प्रे
कि वो अंकल दरवाज़ा ना खोलें, हु कोई भी खोल ले दरवाज़ा बट अंकल दरवाज़ा ना खोलें, वो आज घर पे ना हो. आई रिमेम्बर दैट दिल में डर बैठ गया था ना, ऑफ कोर्स. And all that trauma that was, you know, building up. Every single day I used to pray that wo darwaza na khole, it's okay, but wo ghar pe hi na ho. Aisa I used to pray. Uske baad, did you like end up telling your parents what happened? Like, when did you stop studying with them? So, I think almost 2 to 2.5 years jo hai, wo to mujhe aisa yaad padta hai ki I used to go there. और मैंने कंप्लीट किया कुरान. वर यू लाइक हैड यू रियलाइज्ड कि क्या हो रहा है आपके साथ? आई डिड नॉट नो दैट आई एम गेटिंग अब्यूज्ड बट आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग. सो आई जस्ट केप्ट इट टू माय सेल्फ. और फिर उसके बाद द डेज दैट फॉलोड वर लाइक हेल फॉर मी, क्योंकि आई डिड नो, मतलब मुझे कुछ बुरा फील हुआ था. आई डिड नो व्हाट इट इज, क्या है ये, कोई अब्यूज. Were you like emotionally completely like downwards? Downwards, हाँ. I was an A grade student और फिर वो 2 साल until I was able to suppress the memory, they were like hell. I was just passing my exams और मतलब ना पढ़ाई की तरफ दिल, क्योंकि I couldn't sleep at night. मुझे रात में सोते में ही वो चीज़ें बारबार रिप्ले होना शुरू हो जाती थी अपने दिमाग में. एंड आई यूज़ टू बेग, आई लिटरली, मुझे याद है अल्लाह प्लीज़ 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 मुझसे ये सब भुला दें, अल्लाह प्लीज़ मेरे दिमाग से ये सब निकल जाए, मुझे नहीं याद आए कुछ भी याद नहीं आए. लेकिन वो उसको टाइम लगता है फिर के फिर आप आई वाज एबल टू सप्रेस द मेमोरी. एंड यू वर नॉट एबल टू शेयर दिस विद योर पेरेंट्स एट ऑल, राइट? एट ऑल, नो. आई वाजंट, लाइक इट वाज लिटरली टेररिजिंग मी, या. एंड उस टाइम तो मैं बिल्कुल क्वाइट किड नहीं हो जाता, बिल्कुल चुप. आई हैड नो फ्रेंड्स इन स्कूल और बस बिल्कुल चुपचाप पढ़ना पढ़ाई पे. पर बाद में जब लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज व्हाट हैपेंड टू मी, जब ग्रेड 9 ग्रेड 10 में ओ लेवल्स में, जैसे व्हेन आई फाउंड आउट कि ये क्या है, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन जैसे आई फाउंड आउट अबाउट माई बॉडी कि ये हम लोगों की इस तरह बॉडी है एंड ये है वो है. सो उसके बाद आई बिकेम रियली एग्रेसिव, क्योंकि देर वॉज ऑलवेज दिस बर्डन. और जब वो मेमरीज वापसी सरफेस करने लगी जो मैंने सप्रेस कर दी थी, तो आई बिकेम रियली एग्रेसिव कि ये कुछ था अंदर ना, अनटिल आई वॉज एबल टू शेयर इट विथ माई हस्बैंड. I don't know. I think I as a kid I blamed myself. Yeah. कि पहला तो आपका यही reaction होता है ना, वो else के अंदर. तो मेरे डरा के भी तो वो यही किया था. यही किया, हाँ. Yeah, I thought मैंने कुछ गलत किया है. Maybe I did something wrong. फिर उसके बाद it was like मैं उसको कोई याद नहीं करती थी उस चीज़ को. लेकिन फिर जैसे when I told this to my husband उस time, जैसे मैं आपको बताते जैसे I cried. उसी time I cried and I उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये बात मेरे दिल में थी बहुत सालों से. सो वो बर्डन थोड़ा लिफ्ट हुआ. फिर आई टोल्ड माय मदर जस्ट बिफोर आई गॉट मैरिड. तो व्हाट डिड शी से? व्हाई डिडंट यू टेल अस उस टाइम पे, हम तब कुछ करते. दैट्स इट. एंड देन शी जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ एंड आई डोंट नो व्हाट कुड हैव she done more than that. Usse kya karti hu, maybe the guilt also guilt, you know, was haunting her maybe. How did this impact you as you were growing older? At that time I did not think about it, so my strategy was to block. मैं उस घर से बाहर निकल के जब अपने घर की तरफ जाती थी तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू क्लियर इट ऑल आउट माय माइंड कि अब ये हुआ ही नहीं है. दिस वाज योर कोपिंग मैकेनिज्म. या सो आई विल प्रिटेंड कि ये हुआ ही नहीं है एंड देन आई विल एंटर माय होम एंड देन अगले दिन जब तक मुझे सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है एंड मुझे प्रे नहीं करना तब तक आई विल नॉट थिंक अबाउट इट. दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम. बट ये ब्लॉक करने की वजह से इवेंचुअली व्हेन जब मैं वहाँ जाना बंद हो गई और जो है हम वहाँ से शिफ्ट भी हो गए, तो फिर मुझे ये याद ही नहीं था कि ये हुआ है. मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था. आई फॉरगॉट इट कम्प्लीटली. और आई न्यू कि कुछ हुआ है बट आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट एवर. ब्लैक आउट हो गया था मेमोरी से कम्प्लीटली. फिर आपको कब याद आया ये? डिड इट एवर कम बैक टू यू? डिड इट हॉन्ट यू इन द फ्यूचर? सो व्हाट हैपेंड वाज के काफ़ी आई गेस 2012 में जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे नई नई बात होना शुरू हुई और काफ़ी सारी जो है वो एपिसोड्स में सर्वाइवर्स बात करने लगे और जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे. एट दैट टाइम मेरा भाई जो है वो छोटा था
ही वॉज आई गेस 12 ईयर्स ओल्ड और वो घर में स्कूल से आने के बाद अकेले होता था. तो माई मॉम वॉज स्केर्ड के वॉट इफ इट हैपन्स टू हिम. सो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट दैट टाइम कि वो मेरे भाई से इस बारे में बात करे. तो शी टोल्ड मी के तुम इस एपिसोड को देखो, इसको समझो, इसमें जिस तरह से समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको बच्चों को अवेयर करना है वो तुम समझो, एंड देन यू टॉक टू योर ब्रदर, एंड सिंस यू पीपल आर सो क्लोज एंड यू पीपल कैन टॉक टू ईच अदर अबाउट दिस. सो आई सेड ओके. और उस टाइम पे फिर मैंने वो एपिसोड देखा, बट इंस्टेड ऑफ मी गेटिंग प्रिपेयर्ड कि मैं अपने भाई को ही समझाऊँ, व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे ये याद आया कि ओके वन मिनट दिस हैज़ हैपेंड टू मी. तो जिस बारे में ये बात कर रहे हैं वो तो मैंने वो तो मेरे साथ हुआ है. तो ये उस टाइम पे इट ऑल केम बैक टू मी कि ओके फर्स्ट द शॉक वाज अच्छा ये सेक्सुअल अब्यूज़ था. सो दैट वाज इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ वाज सच अ बिग थिंग फॉर मी कि अच्छा अब्यूज़ हुआ है, ओके. सो दिस वाज समथिंग रियली बिग. डिड यू गो इनटू शॉक व्हेन यू फाउंड आउट? या आई वाज इन अ शॉक. आई कुड नॉट प्रोसेस इट फॉर वेरी लॉन्ग. I used to think about it all the time, and it started impacting my studies. At that time I was doing my bachelor's, और वो मुझे बहुत ज़्यादा impact करने लगा. मेरी health पे आहिस्ते आहिस्ते impact आने लगे. So I had this problem. I used to get nightmares बहुत सारे during this phase. और वो नाइटमेयर्स की वजह से मैं अपने दांत ग्राइंड करती थी, जिसकी वजह से मेरा जॉ जो है वो अटक जाता था और डिसलोकेट होता था. एंड दैट इज़ हाउ आई वेंट टू अ डेंटिस्ट कि ये क्यों खटखट आवाज़ आती जब भी मैं अपना मुंह खोलती हूँ खाना खाती हूँ. एंड ही सेड आर यू स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, एंड आई वाज लाइक नो आई एम नॉट. यू डिडंट टेल हिम अबाउट द नाइटमेयर्स? ही स्टार्टेड प्रोबिंग, एंड इवेंचुअली आई टोल्ड हिम कि भाई ऐसा है और दिस इज़ वॉट इज़ बॉदरिंग मी. ये सारा जो है वो सीन है. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम यू टोल्ड समबडी अबाउट दैट एपिसोड? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. मेरे प्रोफेसर ही थे वो एक्चुअली. उनको मैंने बताया, उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने मुझे जो है वो 2012 में जो है वो उन्होंने मुझे हाफ वे थ्रू 2012 उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए कि यू नीड दीज एंड यू नीड टू हैव दम. And this went on. वो मेरे professor रहे till 2015. और वो दो साल मुझे I was under his treatment and he could not figure out के how is this going to go away. And meanwhile not only this but a lot of other health issues also started. I started developing kidney stones and nobody knew why is it happening. I had no reason. Now when recently when I went I started going to a therapist. And she told me why I had kidney stones. So what happened was, so when a person urinates, they get a tingle wali feeling. Right. In order to avoid that tingle wali feeling, I did not used to drink water. So that mujhe wo tingle wali feeling na aaye, which used to be similar to what that man right. used to make me feel. So in order to avoid feeling that, I stopped drinking water. And that is how I developed stones. So it did impact me a lot. And just the impact has been so deep, right? It affected you physically and mentally on such a different level that you never, one would never expect ki itne far reaching aise consequences. Exactly, right? Yeah. Then how did you come to cope with it? I did was, whenever I studied, mujhe, I don't know why my studies used to, they used to help me कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी किसी और चीज़ के बारे में सोचने से. एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन यू नो सर्वाइवल. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव आई न्यू दैट आई हैव टू स्टडी एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट. स्टडी एंड कम्युनिटी सर्विस, सो दीज वर द टू थिंग्स. यू डिस्ट्रैक्टेड योरसेल्फ कम्प्लीटली एंड आई यूज्ड टू टायर माई सेल्फ आउट स्टडी करके या कम्युनिटी सर्विस में. So that I don't even have enough time to think about anything else. But when did you then tell your parents? Aapne kabhi unko bataya? So I recently told my parents. I used to get panic attacks, anxiety attacks. Ek baar unke samne ye attack hue and my brother was like, this is enough. I just cannot, you know. He used to support me. He used to be like... He knew what had happened, right? Yeah. And he used to calm me down every time. And he used to hug me and make me stop
यू नो स्टॉप ट्राइंग एंड ऑल. बट देन वंस ही जस्ट ही वॉज लाइक दिस इज इनफ, यू नीड टू टेल देम, अभी बहुत हो गया है, सो जस्ट गो एंड टेल देम. एंड आई वॉज लाइक आई कैन नॉट डू दिस, सो ही वॉज लाइक ओके आई विल गो एंड टेल देम. तो ही वेंट एंड ही टोल्ड देम. या ही टोल्ड देम. एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? ही वॉज लाइक उनको बुलाओ, वी नीड टू स्पीक टू हर, शी नीड्स टू टेल दिस, हमें बताए वो. एंड देन आई टोल्ड देम एंड दैट डे इट वॉज लाइक काफ़ी मतलब सब संभल के सहम के सब सुन रहे थे. सहर, बेयरिंग द सेम ट्रॉमा इन माइंड, आपने अपनी बेटियों के साथ किस तरह का डायनामिक रखा है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग विजिलेंट, उनके साथ साथ रहना, हर जगह उन पे उनका ख्याल रखना कि सब कोई लाइक हर वक्त मेरे साथ हों, वो सामने ही हों. इसके अलावा मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि आई दे नो कि अगर वो कुछ उनसे गलत होता है तो फर्स्ट पर्सन दे कैन गो टू इज़ देयर मॉम. मैं चाहती हूँ कि वो इतना कम्फर्टेबल हों कि कभी उनके साथ कुछ बुरा हो या वो अनकम्फर्टेबल उनको कोई फील कराए तो वो मुझे डायरेक्ट आके बताएं. So you've also told them about like good touch and bad touch? हाँ, I have. उनके एज अप्रोप्रिएट वेज में और अक्सर वीडियोज़ होती हैं उसको उनको वो दिखा के, तो वो ये एक डिस्कशन हमारी होती रहती है. एंड अबाउट कंसेंट एज वेल, कि इवन क्लोज मेंबर्स मे बी इफ समबडी इज. हाँ एग्जैक्टली. लाइक मैं उस दिन मुझे मैं अपनी बेटी को टिकल कर रही थी, मैंने उससे पहले पूछा कि रहा है टिकल यू, उसने कहा जी कर सकते हैं, फिर शी सेड नो 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 अब नहीं करें, सो आई जस्ट स्टॉप. सो इससे आप उनको कंडीशन करते हो इनमें के वेज में कि कहाँ आपकी नो ज़रूरी है और वहाँ पर उस बंदे को स्टॉप करना है जब आप नो करोगे. योर बॉडी इज योर राइट. And Sahar, how do you think we as a society can, you know, collectively work to protect children? I think awareness सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ families को parents को नहीं awareness होनी चाहिए, बच्चों को भी ये बात बतानी चाहिए good touch bad touch की. I think we don't talk about it enough. हो रही है अभी बात start, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है इस conversation. So it is very important to understand and accept the fact कि सेफ तो कोई भी नहीं है और अब्यूज़र भी कोई भी हो सकता है. दैट इज़ समथिंग वेरी बेसिक. सो इफ़ यू थिंक कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपके पार्टनर बहुत एजुकेटेड हैं, आप बहुत विजिलेंट हो, आप जो है वो हर चीज़ पे ध्यान रखते हो, तो आपके बच्चे को तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. नो, यू स्टिल नीड टू टेल योर किड कि बचना कैसे है, और अगर हो जाए तो रिपोर्ट किसको करना है. बिकॉज इफ़ यू थिंक कि होना ही नहीं है तो ये बताना तो ज़रूरी ही नहीं है कि रिपोर्ट कैसे करना है. सो दैट इज़ नॉट अ गुड यू नो स्ट्रैटेजी. एंड इसके अलावा इफ़ हो जाए तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू एज अ पेरेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद इट, यू माइट नॉट एवर बी एबल टू यू नो एक्सेप्ट इट एंड गिव योर चाइल्ड द सेफ स्पेस टू डिस्कस.